हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं 5:30। आज तुम 5:30 बजे उठ गए। और ये देखो साइल पढ़ रहे हैं। अभी बहुत जल्दी जग जा तो तुरंत पढ़ लाल बाहर पढ़ रहे हैं गैलरी में। ये देखो अभी भाई पढ़ रहे हैं। ये देखो भाई, भाई भाई ये देख लो भाई, ए सिस्टी। राधे राधे बोल दे सबको। तुम कितने बजे उठे थे सोई के बताई दियो? 5 बजे। जी आरजू पढ़ रही। आरजू की नींद का चुकी थोड़ी ना, अभी काम कर चुकी सबको। ये देव पढ़ रहे। देव को लग रही ठंड। हाय बोल दे हाय। ये आंख नहीं कर पा रहा। सब पढ़ भी में लगे रहती हो भाई। तुम मेरे पढ़ के तुरंत नहा ले, तैयार हो जा। तुम नजर ना लग जाए कंजैया। भाई वाले जू का आते हो तो हमने तुम्हारी खिच्ची करी, तुमने पहुंच ली। नहीं बोल रहा है। कर लो। कितने हो रही है? मैं तो हो रही है। और कौन सी हो रही है? जल्दी जल्दी कर ले। कल खेल रहे हैं, संडे आते तो छुट्टी आती थी। कल करती सो नहीं करो तुमने अब तक तो है ना। करवा चौथ दी तो कहा यो करवा चौथ तो काम नहीं करो जाकर नहीं। कर लियो जल्दी। तो देखिए अभी ज़्यादा उजाला नहीं हुआ और बाहर काम हो रहा है। गाय भैंसों सानी चारा तो हो चुका है, तो हम लगाएंगे झाड़ू और मम्मी बाहर का काम करके फिर जाएंगे खेत पे, क्योंकि खेत पे बाजरा कट रहा है। धान तो कट चुका है, बस बाजरा कट जाएगा 4-5 दिन में। तब तक घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। वैसे बाहर नहीं करना पड़ता है गाय भैंसों का, वो तो मम्मी करके और फिर जाएंगे खेत पे। तो थोड़ा बहुत कभी कभी करना पड़ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई काम अर्जेंट आ जाता है। तो वैसे मुझे तो आता है सारा काम। तो झाड़ू मैंने कमरों में लगा दिया है और शाम को चूल्हा साफ नहीं किया था, तो अब करेंगे। ये लोग सुबह ही सुबह उठ के पटक्का चलाने लगी। कल वाले बची है ना ताग की वजह से मम्मी लगाने लगी झाड़ू। और जो देखो सब सवेरे सवेरे पटक्का चलाने लगे। तो मम्मी ने बाहर का सारा काम कर दिया है। मम्मी आंगन में लगा रही हैं झाड़ू। तब तक हम चूल्हा पोत देते हैं और फिर अभी नाश्ता तो बनाना नहीं पड़ेगा। शाम का रखा है, कल करवा चौथ तो बहुत सारी चीज़ें रखी हैं नाश्ते के लिए। तो अभी नाश्ता हो जाएगा, फिर दोपहर में मम्मी बनाएंगी मक्के की रोटी। तो वो दूध से सब लोग खाते हैं, मुझे तो पसंद नहीं ज़्यादा, तो हम चावल रख के बस वही तल लेंगे। और मेरा देसी किचन सबको बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत तारीफ भी की है, तो सभी लोगों को थैंक यू। मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी और मुझे मतलब ये वाला बहुत पसंद है देसी लुक वाला चूल्हा। तो थोड़े से रखे हैं बर्तन, अब बर्तन साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो बर्तन और चूल्हा में शाम को ये सब कर देते काम, लेकिन कल थोड़ा लेट हो गई थी ज़्यादा, क्योंकि करवा चौथ थी इसलिए। और हम लोगों ने भी बहुत सारी मस्ती की थी, तो थोड़े से बस बर्तन ही ये साफ कर देते हैं। बर्तन साफ हो गए हैं, अब हंडी में रखेंगे दूध गर्म करने के लिए। तो इसको भी धुल लेते हैं। और हंडी को आप लोग क्या बोलते हैं? वैसे गांव की भाषा में इसको दुदाड़ी बोलते हैं, और दुदाड़ी और पारो, पर आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? ज़्यादातर तो वैसे हंडी बोलते हैं सब इसको। तो हंडी का दूध किस किस को पसंद है? मेरे घर में तो हंडी का ही दूध सब पीते हैं और बहुत सबको बहुत पसंद भी है, लेकिन मुझे नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है दूध, मतलब कैसा भी नहीं पसंद है। तो चलिए चूल्हा जला देते हैं और रख देते हैं दूध गर्म करने के लिए। और बहुत लोग तो मतलब दूध लेते हैं बाहर से, सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन मेरे घर में इतना सारा दूध होता है, चाहे कितना भी पियो लेकिन मुझे पसंद नहीं है।
काम सारा हो चुका है और नाश्ता आज बनाना नहीं पड़ेगा, शाम का ही रखा। कल बर्फी बनाई वो भी रखी और मार्केट वाली भी रखी और कड़ी चावल भी रखी, तो बस हम नहा लेवे। हमें तो भूख लगने लगी सुबह सुबह, मम्मी चली गई खेत पे बाजरा कट रहा। तो मैंने नहा लिया है, कपड़े भी धुल लिए और थोड़ी थोड़ी सी धूप भी निकल आई है, तो चलिए कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं। तो अभी बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अब थोड़े दिनों में चेंज हो जाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, सभी लोग कर लीजिए नाश्ता। ये सेब है तो एक सेब खा लेते हैं, और कढ़ी चावल रखे हैं तो कढ़ी चावल खा लेंगे। के नाश्ता कर लो, हमने रखो तो शाम को ही आप बनाने पड़े दोपहर में, तो मम्मी बनाई है थोड़ी देर में। हम कल काम में लगे रहे, थकी है बहुत, अब थोड़ी देर आराम कर लें, फिर शाम के टाइम आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। तो बज रहे हैं शाम के 5 और मैं बनाऊंगी अब खाना चूल्हे पे। तो चलिए चूल्हा जला देते हैं और खाने में बनेगा टमाटर आलू की सब्जी और रोटी। तो सब्जी मम्मी ने काट के रख दी है और बस मम्मी बाहर का काम करके खेत पे चलेंगे, तो बाहर मुझे बस थोड़ा वो चारा डालना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं थी तो मम्मी ने मतलब पापा ने सानी कर दी थी और गाय भैंसों का दूध भी निकाल दिया। बस अब मुझे चारा डालना पड़ेगा, तो अब चाचू ने काट के रख दिया होगा, अभी लाइट आई, सुबह से लाइट ही नहीं आई उतने टाइम से। तो चलिए पहले सब्जी बना देते हैं, सब्जी पकेगी तब तक हम चारा डाल देंगे। तो देखिए तेल गरम हो गया और यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो शूट हो पाई थी सब्जी की और स्पेस नहीं रहा फ़ोन में, तो वीडियो वहीं पे बंद हो गई। तो फ़ोन तो मैंने स्टैंड पे लगा के रख दिया तो मैंने देखा नहीं, तो बीच में वीडियो हो गई थी कट, क्योंकि फ़ोन में स्पेस नहीं रहा था इसलिए वहीं बंद हुई थी। देखिए टमाटर आलू बन रही है, मैंने डाल दिया नमक और मसाले भी सब डाल दिए, तो सब्जी बनेगी तब तक मैं आटा लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड आ गई है बाहर, ये रही है मेरी क्यूटी। तो गाय भैंसों को चारों डाल देवे, काहे को उतने टाइम लाइट नहीं रही जब मम्मी पापा खेत पे गए, सो चारों भाई कटो अब डाल देवे। और वैसे सानी हो चुकी, गाय भैंसों को दूध निकल चुको, बस हमें केवल चारों डालने, सब्जी बनी है तब तक हम चारों डाल दें, फिर बनाइए रोटी। और ये रही मेरी क्यूटी, क्यूटी क्यूट लग रही, मेरी क्यूटी है क्यूट लग रही, चल हम चारों डाल देवे जल्दी से। तो बहुत सारा चारा काटना पड़ता है इसलिए हाथ से तो काट नहीं सकते, जब लाइट आ जाती है तभी कटता है। तो सानी तुझे तो खाई चुकी और दूधो निकल चुका, अब बाद में जो चारों डाल दे रहे कोटी। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होने लगा, क्योंकि आटा मैंने लगा के रख दिया है, तब तक सब्जी भी बन गई, बाहर चारा डालने गई तो टाइम लग ही जाता है, ब्लॉग में तो पता नहीं चलता, जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो सब्जी बस बन चुकी है, अब रोटी बनाएंगे और रोटी के लिए आज हो जाएगा अंधेरा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी मेरे व्यूज बहुत ज़्यादा डाउन हो गए और ब्लॉग भी मतलब मैंने बहुत गैप कर दिया था, इसलिए तो रिक्वेस्ट है आप लोग ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मतलब अच्छे से काम कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। तो हम गांव से हैं और गांव की लाइफस्टाइल आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए फ्रेंड हो गया है काफ़ी अंधेरा, चलिए तो हम जल्दी से रोटी बना लेते हैं। वैसे तो गैस चूल्हा भी रखा है तो वहाँ पे भी बना लेते, लेकिन चूल्हे का खाना सबको बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, तो इसीलिए चूल्हे पे बना लेते हैं। आ जल्दी बोला। तो फ्रेंड बज रहे हैं 7:30 बज गए और आज के ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं, काफी टाइम हो गया, अंधेरा भी, मुझे ब्लॉग एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है। और अभी भाई देखो होमवर्क कर रहे, देखा ना जू है, हाँ जू वालो है। अब तुम यही बता दे, अभी 25 ज्यादा हो तो 35 नहीं जो होता है, 40 ज्यादा हो तो 33 ज्यादा हो तो 40। हाँ अभी भाई मेरे जानते पूरे दिन बस यही पछवाड़ रहा, ज्यादा उसका कम होता है।
इधर करो, होशियार है भाई मेरे बहुत। आठ में से दस नंबर आए बता, तो होशियार है। हाँ देख ले, दस में से आठ हुए हैं, आठ में से दस। अरे यार तुम जाना हो रे होशियार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सभी को गुड नाइट, किसी कर दो सबको। हाँ आंखें देख ले अभी की, हाँ बहुत की उठची आंखें अभी, घुमा ले। हाँ हमने देख ली, हाँ हमने अपनी देख ली। चलो भाई सबको राधे राधे बोल दो प्यार से, और किसी कर दो सबको, कर बोल दो सब लोग सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा। हाँ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मूवी। राधे राधे प्यार से बोल दो सबको, किसी कर दो राधे। ओके किस कर दियो, किस कर दियो। वाओ मैं जाने। हाँ अच्छी वाली करो, हाँ सही है अच्छी वाली कर दी अभी भाई ने। चलिए तो सभी को गुड नाइट, राधे राधे, बाय 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 बाय।